नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मेरा नाम गौरव है और मैं क्वांट फैकल्टी हूँ। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, व्हाई टू ज्वाइन अन अकेडमी। इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास ऑफलाइन असिस्टेंस जो आप लेते हैं और ऑनलाइन असिस्टेंस जो लेते हैं, उसमें दोनों में मेंटोरशिप में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे लर्नर्स हैं, आप सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए। और अभी उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है हमारे पास, फर्स्ट चीज़ आती है कि देर आर 5 पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस। सबसे पहला चीज़, क्या हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग में हमारे पास अपडेटेड कंटेंट हमें मिलता है। तो ऑनलाइन का तो मैं दावा कर सकता हूँ कि जो भी आपके पास प्री एग्जाम हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू सेशंस हो, वो अपडेटेड कंटेंट आप लोगों को वो मिलता है। जो चीज़ एक लर्नर को ज़रूरत है, जो भी एक स्मार्ट स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती है, मेहनत सबको करनी है, लेकिन हमारे पास जो मेंटरशिप प्रोवाइड होनी चाहिए विद प्रॉपर कंटेंट, विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर एक्सपीरियंस, वो एक अपडेटेड कंटेंट आपको ऑनलाइन मेंटरशिप में मिलता है। और सेकेंड पॉइंट, हमारे पास 70+ एजुकेटर्स हैं सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में। तो चाहे आप क्वांट पढ़ना चाहते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चाहे रीजनिंग, चाहे जनरल अवेयरनेस, स्टार्टिंग जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, स्टार्टिंग का एक हफ्ता आपको सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करना होता है अनअकैडमी की क्लासेस देख देख के, कि आपको अपने मेंटोर्स को डिसाइड करना होता है कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई टीचर बहुत पॉपुलर होगा बट आपको उनकी पढ़ाने का तरीका नहीं जमा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो डेफिनेटली हमारे पास ऑफलाइन में तो नहीं होता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नाउ? कोई एक जॉब वाला स्टूडेंट है जो जो प्राइवेट जॉब करता है समवेयर, ही वॉन्ट्स टू गेट इन टू बैंकिंग, गवर्नमेंट बैंक में वो आना चाहते हैं। अब उनके पास क्या है कि दिन भर वो जॉब करते हैं, तो उनके पास जो टाइमिंग रहेगा वो शाम का ही रहेगा, रात का रहेगा पढ़ाई करने का। तो इससे बेस्ट चीज तो कुछ नहीं हो सकती कि घर पे बैठ के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। एक और चीज़, कोई स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो आपके पास कॉलेज का एग्जाम्स चल रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, उनकी अलग ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या फिर अब तो कॉलेज में बुलाने स्टार्ट बीच में कर दिए थे। तो एनीवेज, वॉट एवर इज द रीज़न, आपके पास इवनिंग में टाइम है। जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार वो लोग प्रेफर करते हैं मॉर्निंग टाइम्स। तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस। अगर आप ऑफलाइन की फीस और ऑनलाइन की फीस को कंपेयर करेंगे तो इससे सस्ते में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। अब मैं फीस वगैरह सारी स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक और भी सरप्राइज है। एनीवेज, फिफ्थ पॉइंट, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है इन एनी केस कि अगर आप बीमार पड़ गए, आपके यहाँ कोई फंक्शन पड़ गया, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप कोई भी रीजन हुआ और आप 1 हफ्ते 5 दिन क्लास नहीं देख पाए, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। जिस भी टीचर की क्लास मिस हुई है, जिस भी सब्जेक्ट की, आप उस कोर्स पे जा सकते हैं, उस टीचर के प्रोफाइल में जाके उस कोर्स के या तो वीडियोस को आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डाउनलोडिंग का। आप एक बार अपना डेटा को यूज करके आप उसको डाउनलोड कर लें, आपके प्रोफाइल में वो क्लास दिखाने लगेगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना, आप मल्टीपल टाइम्स प्ले कर सकते हैं, आपका नेट यूजेस बचेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो डेफिनेटली आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते ऑफलाइन में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बहुत ही मिनिमम फीस में, तो वाई टू वेट, ठीक है। अब बड़ा सरप्राइज क्या है, 6th और 7th अप्रैल को जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6th अप्रैल को और 7th अप्रैल को, ठीक है, एंड 7th को, तो हमारे पास क्या ऑफर चल रहा है कि 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, 1 साल का। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आपको बेसिकली सब्सक्रिप्शन कितने का मिलेगा, 14 मंथ्स का। अब ये देखिए, सिर्फ ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये ऐसा कोई सेलिंग पॉइंट एजेंडा नहीं है, लेकिन आप अपने फायदे के लिए देखिए कि इस तरीके से 2021 के जितने भी एग्जाम्स हैं वो तो आप कवर कर ही रहे हैं। अगर आप अभी अप्रैल में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा टिल फर्स्ट वीक ऑफ जून, जिसमें आप 2022 के भी कुछ पेपर्स का आप कवर कर सकते हैं सिर्फ इसी फीस में, फाइन। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है जो कि अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो 6th और 7th अप्रैल तक की है कि भैया 6 और 7 अप्रैल को जितने भी स्टूडेंट्स लर्नर्स जो हैं अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का, और ये सिर्फ एप्लीकेबल 1 साल के लिए है, फाइन। सो
मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लेकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है। सो अगर आप अपने गूगल पे जाएं, कोई भी आप ब्राउज़र पे जाएं और आप unacademy.com खोलें, ठीक है। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे लॉगिन कर लें। आपको फ़ोन नंबर, अपना मेल आईडी डालना पड़ेगा। एनीवेज, अगर आप इसको डालते हैं और आपको सेलेक्ट क्या करना है, हमारे पास बैंकिंग एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स ही सेलेक्ट करेंगे हम लोग। इसके बाद बैंकिंग एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे गया तो यहाँ देखिए 1 मंथ का 1300 रुपये, 3 मंथ्स का 3250, 6 मंथ्स का आपको सेलेक्ट क्या करना है, 12 मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 58% ऑफ करके 6500 फीस दिखा रहा है पूरे साल भर का। और ये हमारे पास कितने टाइम के लिए अवेलेबल, सॉरी पर मंथ कितना पड़ रहा है, 542 रुपीज़ एज ऑफ नाउ। अगर मैं इसमें रेफरल कोड, जो मेरा रेफरल कोड है जो मैं आप लोगों से बोल ये यूज़ करना है आप लोगों को, दैट इज़ GRV लाइफ। अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप अप्लाई करें, केस से कोई मतलब नहीं है, चाहे लोअर केस चाहे अपर केस रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने देखिए इसको अप्लाई कर दिया, सारे रेट्स कम हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे 12 मंथ्स में अगर आप गए तो अब देखिए जो मेरा 542 पड़ रहा था अब मेरा कितना हो गया, 488, और मेरे पास 6500 की जगह पे फीस कितनी हो गई, 5850, इतनी फीस हो गई। अगर कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो लोग स्पेशल क्लासेस पहले से देखे होते हैं तो आपके पास एक क्रेडिट का ऑप्शन होता है, तो अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। आई गेस मैक्सिमम 9% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो जो ओवरऑल अगर मैं मैक्सिमम डिस्काउंट बोलूँ तो 10% इस कोड को लगा के और क्रेडिट्स को लगा के 9%, तो मैक्सिमम 19% का आई गेस डिस्काउंट मिल सकता है। एनीवेज, आप रेफरल कोड GRV लाइव यूज़ करके अप्लाई करेंगे और आपके पास प्राइस कम हो जाएगा। सेलेक्ट क्या करना है, 1 साल 12 महीने का सेलेक्ट करेंगे तो 14 मंथ्स का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ मैं आपने आप लोगों को बता दिया। अब मैं चाहता हूँ आप सभी लोग कि इसका रेफरल कोड इस्तेमाल करें और इसका लुत्फ़ उठाएं पूरा। और पढ़ना कैसे है, सीखना कैसे है, किसी भी टीचर के प्रोफाइल पे जाओगे आप, आपके पास इतने सारे कोर्सेज रहेंगे, अपकमिंग कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं आप, ठीक है। अभी मेरे आने वाले कोर्सेज जितने भी रहेंगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मेरे कोर्सेज कब से आ रहे हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस की फिक्स टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कब मैं स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, उसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो आप सभी लोग इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और इससे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करें और अनअकैडमी पे प्लस लर्नर बने और नेक्स्ट ईयर तक 1 साल के अंदर टारगेट करें कि हम लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके, एंड वी शुड मेक आर पेरेंट्स प्राउड, ओके, फील प्राउड। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई सपोज कि मैंने कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, क्यों लेना है, ये सारी चीज़ों को कवर कर दिया। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।